choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black Symbiote Spider-Man. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी पास्ट में चल रही है, एक क्रिमिनल अलिस्टियर सिंथी के ऊपर एक शेडो क्रिएचर मिस्टरी कंट्रोल कर लेता है। फिर उसने पूरी रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसके अंदर पीटर पार्कर के साथ काम करने वाला नेड लीड्स भी था। उन सभी के ऊपर शेडो क्रिएचर्स कंट्रोल कर लेते हैं। इसी टाइम पे कैंग वाचर को किडनैप कर लेता है। हालांकि वाचर की बहुत सारी पावर्स हैं, कैंग की शिप ओवरलोड हो जाती है जिससे वो फट गई और कैंग स्पेस में तैरने लगा। फिर रॉकेट रकून ने आकर उसे बचाया। वहीं अर्थ पे स्पाइडरमैन मिस्ट्री का सामना कर रहा था, तब ब्लैक नाइट इन क्रिएचर्स के साथ लड़ने में उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट, स्पाइडरमैन सोच रहे हैं, आज तो काफी अजीब दिन था। अजीब से शैडो क्रिएचर्स ने रेवनक्रॉफ्ट के ऊपर हमला कर दिया। उनमें से एक ने नेड लीड्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। बिना किसी कारण के सूर्य ग्रहण हो रहा है और इस टाइम पे इकलौता अवेंजर जो मेरी मदद करने के लिए आया है वो है ब्लैक नाइट, जिसके पास सिर्फ एक तलवार है और थोड़ी सी अकड़ है। स्पाइडरमैन पूछता है, ये क्रिएचर्स जा कहाँ रहे हैं? ब्लैक नाइट ने कहा, वो इधर उधर बिखर रहे हैं। स्पाइडरमैन कहता है, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, तुम इनके बारे में और क्या जानते हो? ब्लैक नाइट ने कहा, हाँ सिर्फ इतना ही जानता हूँ। तो स्पाइडरमैन कहता है, आजकल के लोग बिना किसी को भी अवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो रही चीजों को एक बार दोहरा लेते हैं। एक तो सूरज के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, दूसरा हम नहीं जानते कि ये मिस्टर ई कहाँ से आया और कहाँ को चला गया, और तीसरा मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पे आना है। ब्लैक नाइट ने कहा, तुम्हारे अगले सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ। मुझे एक जादूगर मर्लिन का विजन दिखाई दिया था, उसने मुझे यहाँ आने के बारे में वार्निंग दी थी। स्पाइडरमैन पूछता है, क्या जादूगर मर्लिन ये कहीं भी आ जाता है? तभी एकदम से उसके सामने मर्लिन आया। और गाइस, मर्लिन एक पुराने जमाने का जादूगर है। उसे अपने सामने एकदम से देखकर स्पाइडरमैन चौंक जाता है। मर्लिन ने कहा, माफ करना अगर मैंने तुम्हें चौंका दिया हो तो। स्पाइडरमैन कहते हैं, अगर? हे भगवान, आज मुझे पता चला कि दिल की धड़कन रुकने पे कैसा महसूस होता है। ब्लैक नाइट बोलते हैं, मैंने तुम्हारी ये वाली पावर तो पहले नहीं देखी, अवेंजर्स मैंशन के अंदर तो तुम मेरे सपने में आए थे। मर्लिन ने कहा, इस टाइम पे यहाँ पे चीजें इतनी तेजी से हाथों से निकलती जा रही हैं कि मैं तुम्हारे दोबारा सोने तक का वेट नहीं कर सकता। तुम्हें अभी मैंशन वापस जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारी जरूरत है। और जहाँ तक मकड़ी तुम्हारी बात है, तुम्हें अपने उस ऑफिस में जाना होगा, क्या नाम उसका? स्पाइडरमैन ने कहा, द बगल। लेकिन मुझे वहाँ पे क्यों जाना है? मर्लिन ने बताया, जिस परछाई को तुम नेड लीड्स कह रहे हो वो इस टाइम पे उसी ऑफिस की तरफ जा रही है। अगर ये शैडो क्रिएचर्स किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं तो उसके अंदर के इमोशंस बाहर आने लगते हैं। स्पाइडरमैन कहता है, अरे नहीं, वो जेमसन को मार डालेगा, मुझे उसे रोकना होगा। फिर वो ब्लैक नाइट से कहता है, अरे मुझे उसे रोकना होगा। तो गाइस, ब्लैक नाइट उसे लिफ्ट देता है। वहीं डेली बगल के अंदर जेमसन अपने साइंस एडिटर टाइसन के ऊपर चिल्ला रहा होता है। डैम इट टाइसन, तुम मेरे साइंस एडिटर हो, फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है? बाहर में जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। टाइसन पूछते हैं, क्या तुमने नील को नौकरी से निकाल दिया? जेमसन ने कहा, हाँ वो किसी काम का नहीं था, वो तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आया करता, उसका नाम भी कुछ अजीब सा ही है। अब वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, जाके किसी साइंस क्लास को पढ़ाएगा, लिख के रख लो। और लीड और पार्कर कहाँ चले गए? टाइसन ने कहा, जोना रेवनक्रॉफ्ट वेंचेस्टर के पास है, वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है, थोड़े सा दिमाग लगाओ यार। जेमसन कहते हैं, तुम कह रहे हो कि मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा? मैं हमेशा अपना दिमाग लगाता हूँ। कैसे? फिर वो मिस ब्रांड को बुलाता है। तो मिस ब्रांड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता? मिस ब्रांड ने कहा, आप तो मेरे भी दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर ये तो ही हंसी खुशी की बात। वहीं नेड लीड्स एक पास की बिल्डिंग तक पहुंच चुका है, लेकिन तब वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नहीं रुक जाओ, मेरे दिमाग से बाहर निकलो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुम करना चाहते हो? नहीं, ये सच नहीं है, तुम मुझसे नहीं छुप सकते, मैं जानता हूँ कि तुम अपने अंदर क्या छुपाए हुए हो, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते। मना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अब आराम से खड़े रहो। हाँ ये बढ़िया है। तो गाइस, उस परछाई ने फिर से नेड लीड्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। वहीं जेमसन फोन पे बात कर रहा था, भाड़ में जाए सब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो राष्ट्रपति है या नहीं। तब मिस ब्रांट उसे आकर बताती है, सर आप एक मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। जोना कहते हैं, मैं कभी लेट नहीं होता, मीटिंग तब शुरू होगी जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, इंचार्ज होने का एक फायदा तो ये होता ही है ना। तब उसका ध्यान मिस ब्रांड के चौंकते हुए चेहरे की तरफ गया। मिस ब्रांड, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कि तुमने एक भूत देख लिया हो। तभी नेड लीड शीशे तोड़ते हुए अंदर आता है। हाय जोना, चलो बात करते हैं। गाइस, नेड मिस ब्रांड का बॉयफ्रेंड है।
उसने नेड लेट्स की आवाज को पहचान लिया। नेड कहता है, हाय हनी, मैं घर आ चुका हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो जोना? हमें बहुत सारी बातचीत करनी है। बाहर टाइसन जोना को भागते हुए देखते हैं। हे जोना, क्या बात हुई? वो आवाज कैसी थी? जोना ने कहा, तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब मेरे पीछे आ रहा है। जोना के सांस फूल चुके हैं। वो जल्दी से भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि इसमें स्पाइडरमैन की गलती है। लेकिन तभी नेड लेट्स उसके सामने आ गया। तुम्हारी हर दिक्कत का यही जवाब होता है जोना, तुम जो कोई भी गलती करते हो, तुम्हारे साथ जो कुछ होता है, तुम हमेशा स्पाइडरमैन को दोष देते हो। यहाँ तक कि उसने तुमको कई बार बचाया है। बुरी बात है कि अब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन तब स्पाइडरमैन खिड़की तोड़ते हुए अंदर आता है। उसने आते ही नेड के ऊपर हमला कर दिया। वो दोनों इधर उधर टकराते हुए नीचे गिरने लगे। जोना चिल्ला रहे, तुम्हें इस टूटे हुए शीशे की कीमत चुकानी होगी। वहीं अवेंजर्स मेंशन के अंदर ब्लैक नाइट कह रहे हैं, ठीक है मर्लिन, मैं वापस आ चुका हूँ, सामने आ जाओ। तब मर्लिन उसके सामने आया। तुम्हें यहाँ पे फिर से देखकर अच्छा लग रहा है ब्लैक नाइट, ब्लैक नाइट कहता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सूरज के साथ क्या हो रहा है? मर्लिन कहता है, एक बहुत बड़ा एविल जिसे केवल तुम्हारी तलवार हटा सकती है। ब्लैक नाइट ने पूछा, द इबोनी ब्लेड? लेकिन कैसे? मर्लिन ने बताया, कहीं दूर एक बहुत बड़ा एविल है। इबोनी ब्लेड शायद एग्जिस्टेंस में सिर्फ ऐसी तलवार हो सकती है जो उसे हरा सके। ब्लैक नाइट ने पूछा, इस महान एविल का कोई नाम तो होगा? तो मर्लिन ने कहा, इसका नाम है नल। उसके फॉलोअर्स सिर्फ उसे गॉड बुलाते हैं। इस क्रिएचर के पास बहुत ज्यादा पावर है। ये पूरे स्पेस टाइम के लिए खतरा है। हालांकि अभी के लिए वो कैद है, लेकिन एक न एक दिन वो आजाद होगा। फिर वो खुला घूमेगा और जहाँ कहीं भी घूमेगा वहाँ तबाही होगी। मैं इसे पहले ही देख चुका हूँ। उसकी आजादी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो इबोनी ब्लेड के सामने कमजोर पड़ सकता है। शायद इससे वो हार जाए। मैं इसके अंदर के मैजिक को बढ़ा सकता हूँ, और इतना बढ़ा सकता हूँ कि वो नल के खिलाफ बहुत ताकतवर बन जाएगा। मुझे तलवार दे दो ब्लैक नाइट, ताकि मैं इस तलवार को ऐसा बना सकूँ। लेकिन तब ब्लैक नाइट उसे तलवार देते देते बीच में रुक गया। मेरा नाम क्या है? तुम मुझे ब्लैक नाइट कह रहे थे, मर्लिन ने कहा। क्योंकि तुम ब्लैक नाइट हो, तो ब्लैक नाइट पूछते हैं, मेरा असली नाम क्या है? जिस पे मर्लिन मुस्कुराया, बहुत अच्छा। और वो गायब हो गया। शैडो क्रिएचर, बाहर आओ! मैंने कहा बाहर आओ घटिया क्रिएचर। तब मिस्टरी उस तलवार से बाहर निकलता है। देखो देखो यार, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैंने अब तक तुम्हें बताया वो सच था, और मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला था कि मैं किसकी तरफ हूँ, मैं नल की तरफ हूँ। तब वो इबोनी ब्लेड को ब्लैक नाइट की छाती में घोंप देता है। जब तुमने इस तलवार से मेरे ऊपर हमला किया था, उसके बाद तो इस तलवार को कंट्रोल में लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और यकीन मानो, मैं और मेरे फॉलोअर्स इस तलवार का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। वहीं बिल्डिंग के नीचे प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। तब स्पाइडरमैन नेड लीड्स के साथ दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आया। नेड कह रहे हैं, तुम मुझे टच कैसे कर पा रहे हो? स्पाइडरमैन ने कहा, क्योंकि मैं ईमानदार और अच्छा आदमी हूँ। लेकिन नेड कहते हैं, नहीं ये बात नहीं है, तुम हम में से एक हो। क्या तुम इसे फील नहीं कर पा रहे? तुम हमारी प्रजाति के हो। लेकिन जब तक तुम्हें ये बात समझ में आएगी, तब तक का वेट मैं नहीं करने वाला। गैजो प्रिंटिंग प्रेस की तरफ जा रहा है। देखो, अगर मैं नेड की बॉडी के अंदर रहता हूँ तो ये मशीनें नेड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन मुझे कहीं जाना है, तो बाय बाय। गैजो नेड की बॉडी को प्रेस के ऊपर छोड़कर चला जाता है। तभी स्पाइडरमैन फुर्ती दिखाते हुए नेड को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसी खींचतानी में बेहोश नेड जाग भी गया। क्या तुम ठीक हो नेड? नेड ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अवेंजर्स मेंशन, जिस चीज ने मेरे ऊपर कंट्रोल किया था वो अवेंजर्स मेंशन जा रही है, स्पाइडरमैन बोलते हैं। क्या क्या तुम्हें पक्का पता है? नेड ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो मेरे दिमाग में घुस चुकी थी, लेकिन मैं भी इसके दिमाग के अंदर था। तभी स्पाइडरमैन को ध्यान आया, ओ नो, ब्लैक नाइट, ये सब एक चाल थी और ब्लैक नाइट इस चाल में फंस चुका है। गाइस, इधर ब्लैक नाइट किसी तरीके से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके सामने कैंग पहुंचता है। ब्लैक नाइट कहते हैं, ओ परफेक्ट, तुम कहाँ से आ गए यार? कैंग ने कहा, हिलो मत। लेकिन ब्लैक नाइट बोलते हैं, शट अप। तब रॉकेट भी वहां पे आया। तुम्हें बात समझ में नहीं आई क्या? हिलो मत, एक बोलते हुए रकून को देखकर ब्लैक नाइट को लगा, ओ बढ़िया है, मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने मेरी छाती में तलवार मार दी। लेकिन तभी वो एकदम से बेहोश हो गया। रॉकेट पूछता है, क्या ये मर चुका है? देखो, मैं इंसानों को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता, तो मेरे लिए तो बताना मुश्किल है। कैंग कहते हैं, मेरे सेंसर्स कह रहे हैं कि अभी ये नहीं मरा है, हालांकि ये मुश्किल ही जिंदा है। रॉकेट ने कहा, अच्छा है, चलो इसको यहाँ से ले चलें, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं। और गाइस, इसके अगले पार्ट के अंदर चीजें हाथ से निकलने वाली हैं।
क्योंकि वो शेडो क्रिएचर अब भी वहीं पे है। मिस्टर ही छुपकर इन दोनों को देख रहा था।